Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती होने जा रही है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 31 मार्च तक अपना आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी ऑफिशियल साइट sbi.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब विस्तार से समझते हैं। भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है। यहाँ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती हो रही है। इस भर्ती के तहत कुल 4 पदों को भरा जाना है। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है। अब समझिए, इसमें मुख्य सूचना अधिकारी की एक पद, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर की एक पद, डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ई चैनल के एक पद, डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कोर बैंकिंग के एक पद, यानी कि 4 पदों को भरा जाना है। अब समझिए कि इसके लिए योग्यता क्या चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। जिन उम्मीदवारों के पास MBA की डिग्री है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। जो अभ्यर्थी मुख्य सूचना अधिकारी और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनकी उम्र 55 वर्ष होनी चाहिए। वहीं डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर और डिप्टी चीफ टेक्नोलॉजी अधिकारी के पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की उम्र 45 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को सरकार के नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। ये तो हुई आयु सीमा और योग्यता की बात। अब समझिए कि इसके लिए आवेदन शुल्क क्या लगेगा। सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग EWS के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के तौर पे ₹750 का भुगतान करना होगा, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को किसी भी प्रकार का कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अब सबसे अहम बात कि फॉर्म भरना कैसे है, तो गौर से सुनिए। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि sbi.co.in पर जाएं, करंट वैकेंसी पर क्लिक करें, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के लिंक पर जाएं, मांगी गई डिटेल्स भरकर रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकलवाना हरगिज ना भूलें। तो बस अब चीजों को आपके लिए समराइज करते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, तो गौर से सुनिए। कुल 4 पदों को भरा जाना है। आवेदन प्रक्रिया 4 मार्च से ही शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख है 31 मार्च। ऑफिशियल साइट है sbi.co.in। तो बस अब सोचना नहीं है, अप्लाई करना है और इस आए हुए मौके का वक्त रहते लाभ उठाना है, क्योंकि आज की मेहनत कल जरूर रंग लाएगी। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक।